सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। जैसा कि आप आंगनवाड़ी सेविका हैं और आप लाभार्थियों का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं उसका स्टेटस क्या है, जो सुपरवाइज़र है उसके द्वारा वेरीफाई किया गया है या नहीं किया गया है, जो लाभार्थी का पैसा है उसके अकाउंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है। जो लाभार्थी होती हैं वो आपसे पूछती हैं कि हमारा जो फॉर्म फिलअप किया गया है उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म फिलअप करती हैं उसका स्टेटस चेक करेंगी और उसका पैसा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग अपने लाभार्थी को बता सकें कि आपका पैसा आपके खाते में पहुंच चुका है या जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। इस प्रकार की जो जानकारी है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो वेबसाइट है हमने ओपन कर रखा है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको हम लोग सबसे पहले फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कैप्चा कोड लिखा रहेगा वैसा आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देनी है और यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा जहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। ये नया अपडेट है, जब जब आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लॉगिन करेंगे तब आप लोगों को मोबाइल वेरीफाई करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल रजिस्टर है आपके ICDS ऑफिस में उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल के आपको यहाँ पे वैलिडेट कर लेनी है। चलिए जो OTP आया हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे OTP डाल लिया है, डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे पेज खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है कि लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम आपको बताते हैं कि जो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप मोड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर 3 डॉट पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PMMVY इम्प्लीमेंशन स्टेटस, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी का लिस्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का आंगनवाड़ी सेंटर कोड रहेगा, आंगनवाड़ी का नाम रहेगा, इससे हमें अभी मतलब नहीं है। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फॉर्म हम लोगों के द्वारा अप्लाई किया गया है उसमें कितना पैसा हमको मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक हमें 9000 रुपया यहाँ पे पेमेंट जो है कि PFMS के माध्यम से भेजा जा चुका है, यानी कि टोटल हमारा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है यहाँ पे 15 फॉर्म अप्लाई हुआ है, इसमें से 13 जो फॉर्म है इसको अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि AEPS के माध्यम से जो हमें अप्रूवल है वो मिल चुका है और यहाँ पे 3 लाभार्थियों का पैसा उनके अकाउंट में भेजा जा चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाभार्थियों का जो पैसा है वो बेनिफिशरी का PFMS के माध्यम से भेजा जा चुका है, यानी कि टोटल 9000 रुपया यहाँ पर भेजा जा चुका है। ठीक है, अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि किस लाभार्थी का पैसा जो है वो पहुंचा हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फिर से रिपोर्ट्स वाला ऑप्शन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे बेनिफिशियरी इनरोल वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसा आप लोग क्लिक करके आप लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं फॉर्म का, कि फॉर्म का स्टेटस क्या है, जो अप्रूवल है वो मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इधर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सुपरवाइज़र मैम है उनके द्वारा कितना फॉर्म को वेरीफाइड किया जा चुका है। तो जो वेरीफाइड हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं सब में ट्रू ट्रू लिखा हुआ है, तो ये सारे फॉर्म जो है वेरीफाई किए जा चुके हैं। किन किन लाभार्थियों का जो है फॉर्म अप्रूव किया जा चुका है पैसा भेजने के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं 3 लाभार्थियों का पैसा यहाँ पर अकाउंट में आ चुका है, जो कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया 9000 रुपया जो है लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है। और यहाँ पर अभी 2
लाभार्थी का जो है यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे डेट भी आप लोग देख पाएंगे 24/6/2024 और 24/6/2024 जो लाभार्थियों का फॉर्म है वो अप्रूव किया जा चुका है। अब यहाँ पे इनको पेमेंट जो है वो भेजा जाएगा। अगर इनका पैसा यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे 3000 रुपये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे नीचे 3 लाभार्थियों का देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी लाभार्थी का फॉर्म आप लोग फिलअप किए हैं यहाँ पे आके स्टेटस चेक कर लीजिए, और अगर उनका पैसा चला गया है तो आप उनको बताइए कि आपके अकाउंट में पैसा चला गया है। कई बार क्या होता है कि लाभार्थी झूठ बोलती है कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया है, तो आप यहाँ पे उसका डेट देख सकते हैं और बैंक का स्टेटस निकलवा सकते हैं, उसमें वो पैसा जरूर गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लाभार्थियों का पैसा और लाभार्थियों का फॉर्म को अप्रूव किया गया है या नहीं, सुपरवाइज़र मैम के द्वारा वेरीफाई किया गया है नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो फॉर्म है उसको भी अप्रूव कर दिया जाएगा, किसी कारणवश यहाँ पर अभी सुपरवाइज़र मैम के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि जो हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उसका स्टेटस क्या है, उसका पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी जानकारी आप लोग यहां से देख सकते हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।